हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के मिश्रा, द टीचर ऑफ इंग्लिश एस वी एम सिनेडी। टुडे वी शैल रीड द स्टोरी द फ्रेंडली मंगोज पार्ट वन प्लस पार्ट टू। ड्यू टू the demand of guardians and the member of guardian I have joined part 1 and part 2 and translated into English and Hindi both. Today we shall start this story in both medium, Hindi as well as in English. जैसा कि गार्जियन के कुछ है और गार्जियन प्रतिनिधि के कुछ है लोगों का मांग था, जिसके कारण मैं पार्ट टू वन और पार्ट टू दोनों मिलाकर हिंदी मीडियम में भी इसे कन्वर्ट कर आप लोगों के सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वी शैल स्टार्ट द स्टोरी। There are two books in English class 6 NCERT. One of them is a Pact with the Sun. The second story of this book is The Friendly Mongoose. This book is a collection of several interesting and suggestive stories. Most of the stories of this book have been taken from Panchatantra. Particularly, most of the characters in the Panchatantra stories are animals, birds, and insects. They have been used as human beings or in personification. Hindi, English NCERT book में class 6 के लिए दो बुक पढ़नी है, जिसमें ए पैक्ट विद द सन प्रथम बुक है। इसकी दूसरी कहानी है फ्रेंडली मंगोज, मित्रवत नेवला। इस किताब में कई कहानियां हैं ए पैक्ट विद द सन में, जिसमें अधिकांश कहानियों का संग्रह पंचतंत्र के बुक से लिया गया है। खासकर अधिकांश कैरेक्टर जो हैं इन कहानियों में वो जानवर, चिड़िया और इंसेक्ट्स हैं। इन्हें मानवीकरण के रूप में, मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। In this present story, the writer has given the importance of thought before doing the action hastily. इस कहानी में जो friendly mongoose कहानी है, इसमें लेखक ने महत्व दर्शाया है विचार का, यानी किसी भी कार्य को हम जल्दीबाजी में नहीं करें, पहले उस पर विचार करें। If we do our action without thought, यदि बिना सोचे हुए अपना कार्य करते हैं हम, बिना विचारे हुए, we shall have to repent as like the farmer's wife. हमें पश्चाताप करना होगा जिस तरह से किसान की पत्नी ने पश्चाताप की। The moral of this story is haste makes waste. जल्दी काम शैतान का, ऐसा कहावत है, यानी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। इस कहानी का नैतिक
आधार है। सम ए फ्यू पॉइंट्स ऑफ दिस स्टोरी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ए फार्मर हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान है अपने पत्नी और छोटे बच्चे के साथ एक गांव में रहते हैं। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मंगोज इन द हाउस। एक छोटा सा नेवला का बच्चा भी रहता है। हुदे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। जो कि उसके पुत्र का मित्र बनेगा भविष्य में, ऐसा उन लोगों का विचार था, विश्वास था। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगोज। एक दिन फार्मर और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चे को छोड़कर अकेला मंगोज के साथ बाहर चले जाते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। दे लव्ड हिम वेरी मच। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे बच्चे के साथ, छोटे लड़का के साथ रहते थे, बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एज वी ऑल डू, जैसा कि हम लोग भी करते हैं। वी मस्ट हैव ए पेट। हमें अवश्य ही एक पालतू जानवर रखना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसे एक मित्र की जरूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। यह जो पेट होगा, यह जो पालतू जानवर होगा, वह मेरे पुत्र का मित्र होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। इस विचार को उसकी पत्नी बहुत पसंद की। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टीनी मंगोज। एक दिन शाम में किसान ने अपने साथ एक छोटा सा नेवला लाया। इट्स अ बेबी मंगोज। यह एक छोटा नेवला है, सेड वाइफ, अपने पत्नी से किसान ने कहा। बट विल सून बी फुली ग्रोन। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन। लेकिन यह शीघ्र ही बहुत बड़ा हो जाएगा और यह जो है मेरे, हमारे पुत्र का मित्र बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगोज ग्रीव। दोनों, उसके लड़का और मंगोज, दोनों बड़े हुए। इन 5 or 6 months The mongoose had grown to its full size. 5 से 6 महीने में नेवले का बच्चा एक बड़ा सा नेवला में परिणत हो गया। A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. एक प्यारा सा जानवर, 2 काले चमकीले आँखें और झाड़ीदार पूंछ वाला पूरे साइज का तैयार हो गया। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. जबकि किसान का लड़का अभी भी छोटा था, पालने पर था, सोता रहता था, रोता रहता था, रुक रुक कर। One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाही। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. She fed the baby, उसने बच्चे को खिलाई, and rocked him to sleep in his little cradle. और उसे पालने पर सुलाकर छोड़ दी। Picking up the basket, वह अपने बास्केट को उठाकर she said to her husband, वह अपने
पति से बोली, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार को जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर एक नज़र आप रखेंगे। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगोज, स्पष्टतः मैं नहीं पसंद करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ अपने बच्चे को अकेला छोड़ना इस नेवले के साथ। यू नीडंट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, किसान ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। द मंगोज इज अ फ्रेंडली एनिमल, नेवला मित्रवत जानवर होता है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, या जितना प्यारा हमारा बच्चा है उतना ही यह भी प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वे दोनों अच्छे मित्र हैं, यू नो, तुम जानती हो इसे। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। किसान को घर पर कुछ काम करने को नहीं था, इसलिए उसने निर्णय लिया अपने खेत में जाने के लिए, जो बहुत दूर नहीं था, नज़दीक ही था। He ran into some fields, friends on the way back and didn't return for quite some time. He ran into some friends, वह कुछ मित्रों के घर चला गया। On the way, रास्ते में, back, जब वो रास्ते से लौट रहा था। And didn't return for quite some time, और वह कुछ समय तक नहीं लौट पाया। We shall read the rest story of the present story in the next part. शेष इस कहानी को अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। The students who are watching the video, they should like, share and subscribe. वैसे स्टूडेंट जो इसे देख रहे हैं वे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। इफ यू हैव एनी हिंड्रेंस और एनी प्रॉब्लम, यू शुड ऑल्सो कमेंट अगेंस्ट इट। यदि किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट भी अवश्य करेंगे। थैंक यू।